माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने एक ऐसे भारत की कल्पना की जिसका हर कोना एक बेहतर यातायात नेटवर्क से जुड़ा हो। 2014 से पहले हमारे देश में हर महीने सिर्फ 600 मीटर किलोमीटर मत समझना, सिर्फ 600 मीटर नई मेट्रो लाइन बिछाई जा रही थी। आज भारत में हर महीने 6 किलोमीटर नई मेट्रो लाइन का काम पूरा हो रहा है। आज लक्ष्य है समृद्ध भारत का। माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने मध्य प्रदेश की प्रशासनिक राजधानी भोपाल में सुगम यातायात के लिए सस्टेनेबल एवं इको फ्रेंडली मेट्रो रेल परियोजना की आधारशिला रखी। भोपाल के चारों कोनों को आपस में जोड़ने के लिए ऑरेंज और ब्लू लाइन कॉरिडोर बनाना तय किया गया, जिसमें ऑरेंज लाइन करोन से लेकर एम्स तक तथा ब्लू लाइन भदभदा से लेकर रत्नागिरी तिराहे तक बनाई जा रही है, जिसमें कुल 30 स्टेशन समाहित होंगे। मेट्रो रेल शहरी लोक परिवहन के क्षेत्र में कम भूमि पर अधिक लोगों को सुगम परिवहन देने का साधन है। भोपाल मेट्रो के पूर्ण संचालन से रोजाना लगभग 7 लाख यात्रियों को सुगम परिवहन का लाभ मिलेगा। 22 महीने पहले माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा 6,940 करोड़ की लागत से मेट्रो रेल परियोजना की आधारशिला रखी। मेट्रो स्टेशनों को अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ बनाया जा रहा है, जिसमें यात्रियों को लिफ्ट, एस्केलेटर एवं सीढ़ियों की सुविधा के साथ साथ दिव्यांग जनों के लिए व्हीलचेयर पार्किंग की सुविधा भी दी जाएगी। सुरक्षा की दृष्टि से सभी स्टेशनों और ट्रेनों में सीसीटीवी सर्विलेंस, साइकिल डेक के साथ ड्रॉप ऑफ और पिकअप पॉइंट एवं ट्रेनों में यात्रियों के लिए एसी कोच का भी प्रावधान रहेगा। स्टेशनों पर पुरुष, महिला, दिव्यांग और ट्रांसजेंडरों के लिए शौचालय उपलब्ध रहेंगे। तो रेल के उस आधुनिक दौर में पहुंच गया है जिसका सपना हर भोपालवासी ने देखा था। भोपालवासियों को आकर्षक, उच्च गुणवत्ता वाला, तेज, आरामदायक, भरोसेमंद और सुगम परिवहन प्रदान करेगी।